हेलो फ्रेंड्स, आप सन के बारे में कितना जानते हैं? क्या आपको पता है कि सूरज में आग कैसे लगी? क्या आप जानते हो कि सूरज इतना गर्म कैसे है और इतना कैसे चमकता है? आप सन के फ्यूचर के बारे में कितना जानते हो? अगर आप कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस के आंसर चाहते हो तो फिर इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि आज हम आपको सन से रिलेटेड कुछ स्पेशल क्वेश्चंस के आंसर देंगे। देन फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर वन, सूरज में आग लगी कैसे? फ्रेंड्स, हम सभी को पता है कि आग को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, पर स्पेस में और सन के पास भी ऑक्सीजन तो है ही नहीं, पर फिर भी सन पिछले 4.6 बिलियन ईयर से जल रहा है, पर ये आग बाकी नॉर्मल आगों से काफी ज्यादा डिफरेंट है। दरअसल ये सन की एक्सट्रीम हीट है और सन की एक्सट्रीम शाइनिंग है, जो कि फ्यूजन रिएक्शन के कारण प्रोड्यूस होती है। फ्रेंड्स, अब हमारा क्वेश्चन नंबर टू है कि आखिर सन में ये फ्यूजन रिएक्शन कैसे होती है। दरअसल सन का साइज बहुत बड़ा है और इसके पास एक्सट्रीम ग्रेविटेशनल फोर्स है, और इसके कारण सन के सेंटर में एक्सट्रीम प्रेशर भी मौजूद है। जब सन बना तो इस एक्सट्रीम प्रेशर के कारण बड़ी मात्रा में हीट प्रोड्यूस हुई, और इसके कारण सन पे मौजूद हाइड्रोजन ने जलना शुरू कर दिया, और हाइड्रोजन का जलना एक न्यूक्लियर रिएक्शन है, और हम इसे फ्यूजन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस में हाइड्रोजन के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज्ड हो जाते हैं, जिससे हीलियम गैस प्रोड्यूस होती है। फ्रेंड्स, अब बारी है हमारे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर थ्री की, आखिर सन इतना गर्म क्यों है और ये कैसे चमकता है? फ्रेंड्स, फ्यूजन रिएक्शन के कारण रेडिएशन की फॉर्म में बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, और यही एनर्जी हीट और लाइट प्रोड्यूस करती है, और इसी के कारण सूरज चमकता है और गर्म भी होता है। एक्चुअली सन पर हर सेकंड 600 टन हाइड्रोजन जलती है, और इसी के कारण सन इतना ज्यादा गर्म है। सन पर अभी भी इतनी हाइड्रोजन है कि अगले 5000 मिलियन ईयर्स तक ये बिल्कुल इसी तरह जगमगाता रहेगा। फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन सन के फ्यूचर से रिलेटेड होगा, क्वेश्चन नंबर फोर, आखिर सन का फ्यूचर कैसा है? फ्रेंड्स, अभी हमने कहा कि सन पर इतनी हाइड्रोजन है कि वो अगले 5000 मिलियन ईयर्स तक जलता रहेगा, पर सन के साथ 4000 मिलियन ईयर्स के बाद ही गड़बड़ी शुरू हो जाएगी, और इस अनबैलेंस्ड सिचुएशन को बैलेंस्ड करने के लिए सन बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, और सन की इस स्टेज को रेड जेंट कहा जाएगा, यानी उम्र के साथ सन और चमकीला और गर्म होता जाएगा, पर ये हालात अभी और बदतर होंगे। सन के अंदर हाइड्रोजन फ्यूजन का प्रोसेस बढ़ता जाएगा, और ये अपने पास के प्लैनेट्स मरकरी, वीनस और यहाँ तक कि अर्थ को भी खा जाएगा। फ्रेंड्स, एक बार को हम ये मान भी लें कि सन का साइज बढ़ना बंद हो जाएगा और ये अर्थ को नहीं निकलेगा, पर फिर भी रेड जेंट स्टेज में इतनी गर्मी निकलेगी कि पृथ्वी का सारा पानी सूख जाएगा, जीव जंतु वनस्पति सब खत्म हो जाएंगे। एक्चुअली सन की रेड जेंट स्टेज के बाद सन की एक और स्टेज आएगी, जिसे व्हाइट ड्वार्फ कहा जाएगा, और इस स्टेज में सन का साइज बढ़ना बंद हो जाएगा। इसके आउटर सरफेस में एक के बाद एक बहुत सारे ब्लास्ट होंगे, और इसके बाद वहां पर व्हाइट कार्बन और ऑक्सीजन के अवशेष बचेंगे। ये अवशेष बहुत ही गर्म होंगे और इनसे एक्सरेज निकलेंगी। इस अवशेष को ठंडा होने में करीबन 1000 मिलियन साल लगेंगे। फ्रेंड्स, अब बारी है हमारे अगले और आखिरी सवाल की, क्वेश्चन नंबर 5, आखिर 5000 मिलियन ईयर्स के बाद सन का क्या होगा? 5000 मिलियन ईयर्स के बाद सन अपने आप में कोलैप्स होना शुरू हो जाएगा, इसका साइज घटना शुरू हो जाएगा, और सन का साइज अपने रियल साइज का 0.00000001% हो जाएगा, और तब हमारा सन एक ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा, और ब्लैक होल के बारे में हम पहले ही एक वीडियो अपने चैनल पर डाल चुके हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स को इसे शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।